स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। मेरा नाम है कपिल। तो आज हम आपको बताएंगे कि आप कंप्यूटर में SSD कैसे लगा सकते हैं या इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आपके कंप्यूटर में हार्ड डिस्क लगी हुई है और उसके बदले आपको SSD लगानी है, या आपको कंप्यूटर में हार्ड डिस्क और SSD दोनों ही चाहिए, तो ये वीडियो आपके लिए ही बनी है। तो ये हम आपको बताएंगे कि आप SSD को कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आपको हार्ड डिस्क और SSD दोनों भी चाहिए, आप वो भी कर सकते हैं। जो आपकी SSD है वो आपके विंडो का काम करेगी और आपकी जो हार्ड डिस्क है वो आपका स्टोरेज का काम करेगी। इससे आपको ये फायदा हो जाएगा कि जो आपकी SSD है उसमें आप विंडो डाल सकते हैं और आपकी जो हार्ड डिस्क है उसमें आप स्टोरेज का यूज कर सकते हैं। आपको इससे ये फायदा हो जाएगा कि आपकी जो हार्ड डिस्क है उससे आपका कंप्यूटर फास्ट हो जाएगा, और दूसरा जो हार्ड डिस्क आपकी जो वेस्ट नहीं जाएगी वो आपके स्टोरेज के लिए काम आ जाएगी। तो आइए हम आपको बताएंगे कि आप हार्ड डिस्क और SSD को कैसे यूज कर सकते हैं दोनों को। ये है हमारे पास SSD 128GB कंसिस्टेंट। तो हम आपको पहले दिखाएंगे कि एक हार्ड डिस्क कंप्यूटर को ऑन करने में कितना समय लेती है, उसके बाद हम आपको SSD दिखाएंगे कि ये कितना समय लेती है ऑन करने में, उसके बाद हम आपको आगे बताएंगे कि आपको हार्ड डिस्क और SSD कैसे कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो गाइस अभी हमने आपको दिखाया कंप्यूटर को ऑन करके कि पहले हमने लगाई थी हार्ड डिस्क, उसके बाद लगाई हमने SSD। आपने देखा कि इन्होंने इतना समय लगता है ऑन होने में। तो हम आपको दिखाएंगे कि अब SSD को कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। उसके साथ साथ आप SSD के साथ साथ आप हार्ड डिस्क को भी स्टोरेज के लिए यूज कर सकते हैं। हम आपको दिखाएंगे कि अब आप चलते हैं कंप्यूटर की तरफ, हम आप लगा के दिखाते हैं हम आपको SSD। तो गाइस आप देख सकते हैं ये हमारी हार्ड डिस्क लगी हुई है, इसमें ये लग रही है हार्ड डिस्क। इसे 500 GB हार्ड डिस्क से हम इसको निकाल कर इसमें लाएंगे SSD। आपको सिंपल क्या करना है, इसको निकाल के यहाँ से इसको दर्ज साइड में, और उसके बाद हमको ये SSD इसमें इंस्टॉल करनी है, बस और कुछ नहीं करना। ये तो हो गई SSD इंस्टॉल। और ये आपके SSD इसमें लग गई है कंप्यूटर में, आप कंप्यूटर को चला के देख सकते हैं। आप देख सकते हैं हमारी विंडो चालू हो गई है। इसको सिंपल चेक करने के लिए आपको कंप्यूटर के मैनेजमेंट जाना है, जिससे आप अपनी SSD का स्टोरेज पता कर सकते हैं। डिस्क मैनेजमेंट, उसमें आप स्टोरेज देख सकते हैं कि आप जो आपकी SSD स्टोरेज है वो हमारी क्या आ रही है, 119.26 GB। ये हमारी SSD की स्टोरेज है, 128 GB की SSD है ये। तो गाइस ये तो हो गई SSD की बात, कि हमने SSD आपको लगा के दिखा दिया, इंस्टॉल करके दिखा दिया इसमें। तो हम आपको बताएंगे कि आप SSD के साथ साथ हार्ड डिस्क को कैसे लगा सकते हैं। तो ये हमारे पास है एक हार्ड डिस्क 500 GB। आप इसको स्टोरेज के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, या इसको स्टोरेज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं SSD के साथ साथ। तो इसके लिए आपको सिर्फ क्या लेनी है, एक लेनी है SATA केबल। ये हमारे पास है जो है SATA केबल, ये आपको ऑनलाइन मिल जाएगी, और आपको अगर आपके पास कंप्यूटर की शॉप है उसके पास मिल जाएगी। सिर्फ 20-30 रुपये की आती है, आप देख सकते हैं ये केबल। हमको इसको सिंपल क्या करना है, इसको हमें
यहाँ पर ये पोर्ट दे रखा है 60 केबल का, यहाँ पर लगा देना है। यहाँ पे आपको ये लगा देनी है, और लगाने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर जो SMPS होता है इसका कंप्यूटर का, इसमें दूसरी केबल दी हुई होती है हार्ड डिस्क के लिए। ये रही हमारे पास हार्ड डिस्क के लिए केबल। तो आपको इसमें क्या करना है, ये केबल इसमें बस लगानी है, और ये भी ये वाली केबल लगानी है इसमें। ये आपकी हार्ड डिस्क भी होगी इंस्टॉल। अब आपको क्या करना है कि आपको जो हार्ड डिस्क है वो स्टोरेज के लिए काम आएगी, और जो आपकी SSD विंडो के लिए काम आएगी। तो आपको आपकी विंडो वो डालनी है आपको SSD में। अगर आपको SSD की विंडो के लिए विंडो चाहिए तो आपको वो भी मिल जाएगी। तो हम आपको अब दिखाएंगे कि चालू करके SSD को। तो अब हम आपको दिखाएंगे कि दोनों हार्ड डिस्क चला कर, क्योंकि एक में विंडो है और एक स्टोरेज के लिए काम आ गई है हार्ड डिस्क। जो आपके यहाँ जो हमारी SSD है वो तो है हमारे विंडो के लिए, और जो हार्ड डिस्क है वो है स्टोरेज के लिए। क्योंकि जो हार्ड डिस्क होती है वो स्टोरेज में काम बहुत ज़्यादा करती है, और जो SSD है वो फास्ट भी होती है। तो गाइस, जब भी आप अपने SSD लगाए तो आपको प्रेस डिलीट बटन दबा लेना, क्योंकि हमारा जो बोर्ड है वो जेब्रोनिक का है। आपको इससे बायोस सेटअप खुल जाएगा। आपको क्या करना है, इसमें एडवांस बायोस फीचर में जाकर आपको अपने हार्ड डिस्क और SSD में सिलेक्ट करना पड़ता है। आपको हार्ड डिस्क ड्राइव दिख रहा है, इसमें जो हमारे कंसिस्टेंट है फर्स्ट वाली है तो है हमारी कंसिस्टेंट, ये SSD, और सेकेंड वाली है वो हार्ड डिस्क। उसके बाद हमको क्या करना है, इस पर प्रेस कर देना है जो है कंसिस्टेंट, इसको प्रेस करके आपको सेव कर देना है। इससे जो हमारी हार्ड SSD होगी वो चल जाएगी, क्योंकि देख सकते हैं एक बार हमारी हार्ड डिस्क बूट होने लगी है, हमारी हार्ड डिस्क चल गई है, हमारी SSD उसमें विंडो चलना चालू हो गया है, और हार्ड डिस्क से वो स्टोरेज काम आ जाएगी आपके लिए। ये हमारी SSD चालू हो गई। तो हमारी जो हार्ड डिस्क है और SSD वो दोनों चल गई है। आप यहाँ पर देख सकते हैं मैनेज में जाकर, ये डिस्क मैनेजमेंट में, ये हमारी हार्ड डिस्क है 465.76 GB, ये हमारी हार्ड डिस्क है 5 GB वाली, और ये 119.24 ये हमारी SSD है, आप देख सकते हैं। उसके बाद आपको कंप्यूटर में जाना है, और ये आप देख सकते हैं ये पार्टीशन बने हुए हैं। आई होप आप सभी को हमारी वीडियो पसंद आई होगी, क्योंकि हमने आपको बताया कि आप उसमें SSD और हार्ड डिस्क का कैसे कैसे यूज कर सकते हैं। आपको SSD सिंगल चलानी, आप सिंगल चला सकते हैं, हार्ड डिस्क के साथ साथ आपको SSD चलानी है वो भी कर सकते हैं। और हमारा जो चैनल है इसका नाम है मिस्टर परफेक्ट है, लेकिन ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, और हमारी वीडियो को लाइक करें, और हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि हम पर कोई गलती हुई है, हम उसे सुधार सकते हैं और अपनी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं। थैंक यू।